नासिर, कहाँ है पाकिस्तान की फुटबॉल? आप अपने तौर पर, इंफरादी तौर पर तो कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो नेशनल लेवल पर फुटबॉल के इवेंट्स हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों को सहूलतें दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही, बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अकबाल भाई, आपने फ़ुटबॉल के ऊपर डिस्कशन की और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हमारा ये मसला रिजॉल्व नहीं होता आप फुटबॉल और करूंगा इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, ताकि आपका प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिलती है। देखिए, फुटबॉल का मामला हमारे 2015 के बाद से ख़राब हुए, 8 साल हो गए जी। 2015 के इलेक्शन में जहाँ पे फैसल सालेह साहब ने पंजाब के इलेक्शन में एक वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर लोग कोर्ट में गए, वहाँ पे पेंडिंग्स में गए, फिर उसके बाद वो रुक गया, फिर फीफा ने सस्पेंशन ली, तो ये 2015 से चलता आ रहा है मामला। उस वक्त तक हमारे फुटबॉल के मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे थे, अचीवमेंट फैसल सालेह याद उस वक्त भी सदर थे पाकिस्तान फुटबॉल के। और मैं बड़े मज़े की बात बताऊँ कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के जो बाकी तमाम सूबों के इलेक्शन से फैसल सालेह जीत चुके थे, सिर्फ एक सूबा था पंजाब का कि जहाँ से वो हार रहे थे, अरशद लोधी आ गए थे जी, वहाँ से उनका पैनल आ गया था, तो उन्होंने एक थोड़ा सा ईगो फील किया कि यार मैं यहां से नहीं हारूंगा, मैं बिल्कुल, हालांकि वो हार भी जाते तो उनके राइट वोट्स कंप्लीट थे। बाद में आप 2-3 महीने के बाद उनके साथ अच्छा बर्ताव रखते तो आपके साथ उनको लेके, तो ये मामला वहीं से शुरू हुआ, वहीं से उन्होंने एक अपना रिजिट स्टाइल रखा, जिसकी वजह से वहां से वो सारी चीजें टूटती चली गई और आज 8 साल है कि हम सफर कर रहे हैं। फैसल सालेह आया तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में चले गए, देखिए वहां पे एक सीट थी उनके पास ना। अब जैसे पाकिस्तान पे बैन लगा था, पाकिस्तान पे बैन लगने के बाद जब फैसल सालेह की फेडरेशन को खत्म किया फीफा, उसके बाद उनकी वो सीट नहीं गई, एफसी ने उनको रिटेन किया एज एफसी वाइस प्रेसिडेंट, उनको अपने पास रखा, उनके ताल्लुकात अच्छे थे ना, ताल्लुकात, लेकिन अब उनको वहां से भी हटा दिया गया कि वहां पे भूटान की जगह का जो थे एक नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव जी, वो उनके वहां पे आ गए थे वाइस प्रेसिडेंट। तो अब फैसल सालेह कहीं पे भी नहीं है इस वक्त मौजूदा हालात में, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई बाद में, फीफा ने एक नॉमिनेशन कमेटी बनाई हमजा खान के दौर में, उन्होंने 19 महीने का टाइम लिया, 19 महीने में उन्होंने कमेटीज वगैरह बनाई, स्क्रूटनी वगैरह की, उन्होंने उसके ऊपर दूसरों ने जिसका नुमाइंदा नहीं था उन्होंने इतराज उठा दिया कि हमारा नुमाइंदा क्यों नहीं है, उसके ऊपर चलते 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 मामला खराब होकर फिर वो कमेटी खत्म की, फिर हारून कनाडा से तशरीफ ले आए जी। अच्छा, मैं आपको मेन वजह बताता हूँ, देखें इसकी दरअसल बात यह ना कि मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ये है कि हमारे पाकिस्तान की आपको फाइनेंशियल कंडीशन हर आदमी की पता है कि कौन कितनी जॉब करता है या कितना बिजनेस करता है, उसकी अर्निंग क्या है। मैक्सिमम अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप बहुत ही एग्जेक्टिव सीट के ऊपर है तो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए मिलता है, अगर आप उससे लोअर रैंक के ऊपर है तो 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए आपकी मिलती है। उसके बाद अगर आप कारोबार में आ जाए तो आदमी कारोबार के हिसाब से अपनी अर्निंग 2-2.5 लाख रुपए मंथली जो है नॉर्मल कारोबार। वजह क्या है? वजह यह है कि फीफा का एक स्टैंडर्ड सेट है, वो स्टैंडर्ड है कि भाई चाहे वो भूटान का मुल्क हो चाहे वो जर्मनी का मुल्क हो, पैसे उतने ही मिलेंगे, पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी को उसने उतने ही देने, उतने ही फैसिलिटेट करने, $7,000-8,000 उस वक्त, उस वक्त जब शुरू में ये इनिशियल बॉडी लगी थी तो उस वक्त 8 लाख रुपए थे मेंबर्स के और 10 लाख रुपए थे चेयरमैन के। अब डॉलर्स में, अब डॉलर्स में थे, मतलब डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो इतने बनते हैं। अब इनके बढ़ के और जो मेंबर्स हैं उनके 10-10 लाख हो गए, अरुण मलिक साहब के अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख रुपए। तो जिस आदमी की ब्रेड एंड 2-2.5 लाख रुपए से डायरेक्ट 10 लाख के ऊपर तो स्विच कर जाए, कैसे सोचेगा इलेक्शन हो, क्यों कराएगा? सही, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कराना चाहे, मैं तो आज आपके प्रोग्राम में बिल्कुल कहता हूँ कि मैं विदाउट फीफा को मैं ये पैगाम देता हूँ कि जी आप मुझे नॉमिनेट करें, मैं विद इन द 8 मंथ्स में मैं इलेक्शन करा के दूंगा, और ऐसे इलेक्शन शफाफ इलेक्शन के पाकिस्तानी सुकून में रहेंगे। तो आप भी 14 लाख लेंगे फिर? मैंने क्या कहा, वॉलंटियरली कह रहा हूँ मैं। अच्छा, कि मुझे कुछ ना दें, मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना दें इस पाकिस्तान की खातिर, मैं फुटबॉल आपका पैशन है। बिल्कुल अजीज, आप फुटबॉलर्स को कितना नुकसान पहुंचा है? अभी नेशनल बैंक का एक खिलाड़ी था, नौकरियां खत्म हो गई हैं, फुटबॉलर बेरोजगार हो गए, वो लड़का बेचारा उसके गुर्दे फेल हो गए, पाकिस्तान की वो अंडर 19 टीम की भी कप्तानी कर चुका था, नेशनल भी खेल चुका था, लड़कों को कितना नुकसान हो रहा है? बैक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका चैनल और आप फुटबॉल से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अभी तक कोई चैनल ने ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी मौका मिलता है फुटबॉल पे लाजमी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इंटरनेशनल फुटबॉलर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन 2015 से लेकर 2023 में, हम इतने खिलाड़ी जॉबलेस हो गए हैं। आपको एक बात बता दूँ, जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं वो जिनकी एजुकेशन नहीं है वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं आजकल। अच्छा, तो बहुत, हम जो लियारी के लोग हैं, हम कराची के लोग हैं, शुरू से पाकिस्तान की तारीख देख लें, हमने स्पोर्ट्स से हम कितना, यस बिल्कुल, बॉक्सिंग हुई, फुटबॉल हुआ,
सर हम खिदमत में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, हम अंडर 10 से लेकर 12, 14 से लेकर लड़के देते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम को, लेकिन उसके बेनिफिट में हमें मिलता क्या है, हमारा जॉब भी चला जाता है और हमारे लिए कोई बात नहीं करता। मुनीर आफ्ताब को देख लें, बेचारा लास्ट टाइम 18,000 की नौकरी में रोल रहा था कि मुझे 18,000 में रख लो, लेकिन किसी ने नेशनल बैंक में जी बिल्कुल नेशनल बैंक, लेकिन वहाँ का जो हेड है उसकी तो तनख्वाह लाखों रुपए में सर, किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया उसके लिए, किसी ने भी बात नहीं। वसीम अकरम की तनख्वाह आपको पता है कितनी, वो स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, पीआईए से रिजाइन करके आए, करीमी साहब उन्हें लेकर आए, वो जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है हसनी साहब उनके, करीमी साहब जो है पीएस वगैरह है, तो वो वसीम अकरम को लेकर आए, 25-30 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं सर। यही तो प्रॉब्लम है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मुनीर आफ्ताब को 18,000 की नौकरी नहीं मिलती है, जबकि बाकी लोगों के 18 लाख रुपए, 30 लाख रुपए उनकी सैलरी है। और हम चीज़ें जब हाईलाइट करते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आते हैं कि आप इस चीज़ पे बात ही ना करें, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फुटबॉल खेल रहे हैं, जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सर हमारे ब्लड में फुटबॉल है, हम ये कभी बंद नहीं करेंगे। आप अगर लियारी में विजय आप तो करते रहते हैं, आपको पता है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट गोल किया मेरा पहला इंटरव्यू भी आपने किया है, मुझे अच्छी तरह याद है, तो आप फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो लियारी में तो जब वर्ल्ड कप होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लियारी में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, जब दुनिया में कतर में हुआ वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा था लियारी में हो रहा था। सर हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं फुटबॉल से, झंडे और जश्न मना रहे थे, लेकिन सर उसके बदले में आपसे छुपाने वाली बात नहीं है, हम बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, हमारा लॉस हो रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है। अब जूनियर फुटबॉल जो अंडर 10 खेल चुके हैं, 12 खेल चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जॉब कुछ भी नहीं है, उनके पास प्लेटफॉर्म ही नजर नहीं आ रहा कि फुटबॉल के इंतखाबात हो, कोई एक फेडरेशन आए ताकि सारी चीजें, बिल्कुल इलेक्शन होंगे उनके पास एक रास्ता निकलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनके लिए कोई लीग होगा, अभी तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ ये जो कह रहे हैं, देखे ना आप कितने वहां पर लियारी में लड़के, जो आप तो खुद फुटबॉल से वाबस्ता है, कि किस तरीके से वो उनका पैशन छोटी उम्र से 8-10 साल से फुटबॉल शुरू कर देते हैं खेल, जेनेटिकली है ना, बाय बर्थ है, फैमिली के अंदर जो पैदा होते हैं उनका बाप, उनका भाई, उनका मामू, उनका चाचा, उनका भांजा, तमाम लोग फुटबॉल से रिलेटेड होंगे। और लियारी वो इलाका था एक वक्त में कि अगर एक घर में 5 भाई थे तो 5ों भाई साहिब हैसियत थे। अगर एक एमसीबी में, एक पीआईए में, एक हबीब बैंक में, एक स्टेट बैंक में, एक नेशनल बैंक में, तो मतलब बड़ी खुशहाल फैमिली थी। अब ये हाल हो गया कि एक आदमी आपको पता कमा के सारे घर को नहीं चला सकता, बाकी बच्चे का फोकस ही हट गया फुटबॉल से ऊपर। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये नॉमिनेशन कमेटी, इसमें दो चीजें इन्होंने की, एक इलेक्शन नहीं करा रहे, लेकिन दूसरी चीजों में जहां पे जो चीज मेरे अंदर एक खास आदत ये है, वीमेन का टूर्नामेंट क्यों कराते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि देखें दो चीजें होती है, कभी कोई अच्छा काम करे ना तो उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों, ये वीमेन का जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वीमेन की मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है, पहले शॉर्ट बताइए, ब्रेक पे शॉर्ट पे जाएंगे। हाँ देखिए बात ये है कि अभी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ नेशनल मेंस एंड विमेंस टीम है, ठीक है, सिर्फ ये ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं है, 50 लोगों के ऊपर उनका फोकस है कि हम इनको फैसिलिटेट करें, और बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर प्लेयरों को वो ब्रेड एंड बटर। रैंकिंग पाकिस्तान की क्या है? देखिए हम लोग दरअसल बहुत इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहे हैं, 194 नंबर पर है पाकिस्तान, हम जी हाँ 95 पे आ गए, 99 पे थे, अभी 2 मैचेस खेलने के बाद फीफा रैंक में हम थोड़े से ऊपर आ गए खेलने की वजह से। तो अब जितना ज्यादा हम एक्सपोजर मिलेगा हमारे प्लेयरों को, जितने ज्यादा मैचेस मिलेंगे उतनी हमारी रैंकिंग अच्छी होगी। देखिए रैंकिंग से ज्यादा मैटर करता है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, वो है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है कि जब तक आप कोई भी मेन सोर्स क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल जिस वक्त अपॉइंट होता है फिर वो जिम्मेदार होता है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट से लेकर एलीट तक डेवलप करने का। इस पर हम